आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के चांसलर रमाशंकर सिंह ने लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर तोड़ने के लिए हमला हुआ कि उसे तोड़ दिया जाएगा, तो शुरू शुरू में सारे पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इन मंत्रों में उस सेना को वापस लौटाने के मंत्र शामिल थे, वशीकरण यानी बस में करने के मंत्र शामिल थे, उच्चाटन यानी ध्यान हटाने के मंत्र शामिल थे, हराने के मंत्र शामिल थे और आखिरकार मारने के लिए भी मंत्र शामिल थे। कुछ नहीं हुआ, ना होना था। वो फौज एकदम नजदीक आ गई, आनी ही थी, कोई मुकाबले में था ही नहीं। तब सारे पुजारी मंदिर के अंदर के गर्भगृह में इकट्ठे होकर पूरे विश्वास से ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव स्वरूप भगवान से कातर भाव से बेचारगी से सस्वर गाकर मंत्रोच्चार करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे कि हे भगवान, आप प्रकट हो, तीसरा नेत्र खोलकर ये जो सेना बाहर आई हुई है इसको भस्म कर। कुछ ही समय वो सेना मंदिर में प्रवेश कर गई, बाकी इतिहास है आप सब जानते हैं, ठीक है ना। और आजादी के बाद केंद्र सरकार ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और आज वो इस रूप में विराजमान है। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? सेना मंदिर को तोड़कर चली गई, मंत्रों में जो ट्रेंड थे, दीक्षित थे, सारे पुजारी ब्राह्मण मारे गए। वो अपने ही झूठ में विश्वास करते थे, औरों को विश्वास दिलाते थे, सदियों से मंत्रोच्चार के मंबो जम्बो में लोगों को उलझा रखा था और वो यकीन करते थे। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आरएसएस के एक प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने मेल टुडे के एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतवासियों को चीन का मुकाबला करने के लिए मंत्रोच्चार करना चाहिए। और मंत्र का जो अर्थ है वो ये है कि कैलाश हिमालय और तिब्बत चीन की आसुरी शक्ति से मुक्त हो। कैलाश हिमालय और तिब्बत चीन की आसुरी शक्ति से मुक्त हो। आसुरी माने जो असुर होते हैं, सुर असुर देवता और राक्षस का जो पूरा बना रखा है सिस्टम। तो ये मंत्रोच्चार के जरिए चीन को हराने की बात कर रहे हैं देश कुमार, यू नो हमें तो हैरानी नहीं होती। जहां इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, इनकी समझ में पुष्पक विमान उड़ते हों, जहां गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी से बनाए गए हों, जहां स्टेम सेल टेक्नोलॉजी ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही ईजाद कर ली हो, जहां देसी घी के जरिए बच्चों को प्रिजर्व किया गया हो ताकि बाद में उन्हें खड़ा किया जा सके, तो वहां यह भी संभव है कि आप मंत्र पढ़िए और चीन की सेना एकदम डर के भाग जाए। अब हम क्या कहें बताइए? ये जो टेम्परामेंट है ये साइंटिफिक नहीं है और ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको कभी तालीम हासिल नहीं हुई। आपको बताना जरूरी था कि ये एक इंटरव्यू छपा है जिसमें इंद्रेश कुमार जो है प्रचारक, मेल टुडे में छपा है, वो कह रहे हैं कि मंत्रोच्चार से चीन की सेना को भगाया जाए, इससे भारतीयों में भी स्फूर्ति, ऊर्जा, विश्वास और तेज बढ़ेगा। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इस मंत्र का जाप करें जो भूटान की सीमा पर इस वक्त चल रहा है, चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, आई बॉल टू आई बॉल, मंत्र से अपने आप खत्म हो जाएगा उनका ये मानना। आप क्या मानते हैं सोचिए। नमस्कार।